हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उपासना ब्यूटी एंड मेकअप चैनल। तो गाइस, आज का थीम देख के आप जान गए होंगे कि ये वीडियो मैंने किस पे बनाई है, सीटीएम। तो सीटीएम को लेकर बहुत से क्वेश्चन हमारे अंदर पुट होते हैं कि हम सीटीएम क्या है। पहले हमें नॉलेज कम होती है, और नॉलेज होती है तो हम सोचते हैं कि क्या इतना प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए। तो गाइस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सीटीएम का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेकअप से पहले सीटीएम ज़रूर अप्लाई करें, और अपने डेली लाइफ में भी इसको एक बार दिन में ज़रूर करें। इसका से हमारी जो स्किन जो हो जाती है फेस की, बहुत हेल्थी होती है, सॉफ्ट होती है, और एक शाइनिंग लुक आता है। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने कोई बेस अप्लाई नहीं किया, काजल लाइनर काजल अप्लाई की है, और एक लिपस्टिक अप्लाई की है, तो एक नेचुरल सा एक ग्लो है फेस पे। तो गाइस, चलो इस प्रोसेस को देखने के लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप है क्लींजर, तो उसको हम देखते हैं। तो क्लींजर का क्या रोल है, क्लींजर का क्या है, जो भी हमारी डस्ट है, डर्ट है, जो भी इम्प्यूरिटीज है, उसको ये रिमूव करता है और हमारी स्किन में एक अच्छा ग्लो लाता है। जो भी हमारी स्किन में डस्ट पार्टिकल्स है, उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इसको अब हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्लींजर मैं बायोटिक का ले रही हूँ, ऑल स्किन टाइप के लिए है, और इसको फिंगर की हेल्प से ही मैं फेस पे लगाऊंगी। तो क्लींजर को मैं फिंगर की मदद से पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और अच्छी तरह से इसको पूरे फेस पे मसाज देना है, ताकि जो भी हमारी डस्ट है वो रिमूव हो जाए। और मैं इसको आईज एरिया पे भी रिंग फिंगर की मदद से करूँगी, ताकि हम कई बार आई शेडो अप्लाई करते हैं तो हम इस एरिया को अवॉइड कर देते हैं, तो वो चीज़ ना करें। तो यहाँ पर भी क्लींजर ज़रूर अप्लाई करें। तो क्लींजर की जगह आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो क्लींजर है ये हमारे जो ऑयल, एक्सेस ऑयल है, उसको रिमूव करता है, और एक बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है। और फेस वॉश से क्या होता है, वो हमारे डीपली जो हमारे पोर्स है उसको क्लीन करता है। तो डिफरेंस दोनों में ये है, आप दोनों में कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अच्छी तरह मैंने पूरा मसाज कर लिया है। अब इसके बाद में मैं वेट टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ। आप चाहें तो रनिंग वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास वेट टिश्यू है, तो मैं इससे इसको क्लींजर को रिमूव करूँगी। तो टोनर जो है, टोनर का भी बहुत अच्छा रोल है। ये हमारी जो पीएच जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है, जो भी पोर्स हमारे हैं उसको काफ़ी हद तक क्लोज करने में मदद करता है। तो ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो इसको भी अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो क्लींजर के बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर रोज़ वाटर है ये। तो आप नॉर्मल रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये स्प्रे बोतल है, तो इस तरह से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अगर स्प्रे बोतल वाली ना हो तो कॉटन की हेल्प से आप इसको डैब डैब करके लगा सकते हैं। इसको भी पूरे अच्छी तरह फेस पे फिंगर की मदद से मैं एब्जॉर्ब होने दूँगी। जब ये पूरी तरह एब्जॉर्ब होगा, तभी नेक्स्ट मैं प्रोसेस अपना इसका करूँगी। तो गाइज, आप देख रहे हैं टोनर को मैंने बहुत अच्छी तरह से रखा है एब्जॉर्ब होने के लिए। इसको पूरी तरह एब्जॉर्ब होने देंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तब जाके मैं अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। और मैंने आईज एरिया पे भी फिंगर की मदद से इसको अप्लाई किया है। मॉइस्चराइज़र जो बहुत ही कंपलसरी हैं, मॉइस्चराइज़र जो है हमारे जो स्किन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, और ये हमारे जो काफ़ी हद तक ड्राइनेस है, ऑयलनेस है, उसको भी प्रिवेंट करता है। तो मॉइस्चराइज़र तो गाइस बहुत ही कंपलसरी है और स्किन के लिए, और इसको भी हमें अपनी डेली लाइफ में
ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो टोनर के बाद मैं अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, वो भी बायोटिक का है, ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो मॉइस्चराइज़र तो बहुत कंपलसरी है अपनी डेली लाइफ में, अगर हम क्लींजर नहीं कर रहे, टोनर नहीं कर रहे, मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़रूरी है। ये हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस करता है, ड्राइनेस है, ऑयलनेस है उसको भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है। तो गाइस ये बहुत ही मेन प्रोसेस है मॉइस्चराइज़र। तो मैंने यहाँ पर फिंगर से ही लेके पूरा अच्छी तरह से अपने फेस पे इसको लगा लिया है, और बिल्कुल अच्छी तरह आईज़ के नीचे एरिया पे भी और आईज़ पे भी पूरी अच्छी तरह इसको मैं लगा लूँगी। तो गाइस देख सकते हैं कि CTM करते ही फेस पे एक अलग सा शाइन आ गया है। अगर मेकअप से पहले तो ये कंपलसरी है ही, और ओवरऑल आप डेली लाइफ में भी अपना एक बार भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन डे बाय डे हेल्थी भी होगी, सॉफ्ट भी लगेगी और एक अलग सा शाइनिंग लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मेरा दिख ही रहा होगा, पहले जो मैंने फ़ोटो डाली है और अब जो फ़ोटो है इसमें कितना शाइनिंग लुक आ रहा है। तो ये CTM बहुत ही मतलब कंपलसरी वाला प्रोसेस है, तो इसको स्किप ना करें, इसको अपने डेली लाइफ में भी ज़रूर लाएं।